हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी 3.1 चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। बहुत ही क्विकली सॉल्यूशन करेंगे आप, बहुत ही इजी के साथ और बहुत ही ज़्यादा ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कभी नहीं जानते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा इजी ट्रिक के साथ आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा इस एक्सरसाइज का, जिससे कि आज अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलोगे। ये एसएम मैथ क्लास का वादा है, क्योंकि आपको इतना इजी ट्रिक से सॉल्यूशन बताया जाएगा बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ। तो सो गाइस, वीडियो का एंड तक बने रहेंगे और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि वीडियो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिक के साथ सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लो, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन होने वाला है आप लोगों के सामने। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर होगा मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इससे चैप्टर से आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए, इसको शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और उन ऑब्जेक्टिव को जरूर लेके जाएंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे दिखा हुआ है कि लेट ए इक्वल टू 2519-735-25/2, 12, √3, 1-5 और 17। यानी आप ये इस यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कितने इजी तरीका से होता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर क्या है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कैसा ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है क्या कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है। बहुत ही इजी बात है। आप जैसा कि जानते हैं कि ऑर्डर जो होता है वो रो और कॉलम का कम्बिनेशन होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि किसी भी वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं और किसी भी हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। जैसे ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन हो गया तो रो हो गया, और फिर ये आपके पास वर्टिकल लाइन हो गया तो क्या हो गया, कॉलम हो गया। आप इस जगह पे देख रहे हैं 3/4 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। अब ये चीज देख रहे हैं कि ऑर्डर आपसे पूछा गया कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी 3×4 आ जाएगा इसका ऑर्डर। तो आंसर हो गया कंप्लीट, या ऑर्डर ही है क्या, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर पहला क्वेश्चन का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। आप देख रहे हैं कि जैसे देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 करके गिनते जाओगे तो आपके पास 12 एलिमेंट आएगा, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, ऑर्डर को मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो आएगा रिजल्ट वही उसका एलिमेंट की संख्या होगा। जैसे कि आप इसको गुना कर दीजिए 3/4, यानी जैसे आपके पास 3×4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3×4 = 12। तो ये हो गया आपके पास 12, यानी एलिमेंट्स की संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। तो इस तरह से आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि राइट द एलिमेंट, आपको एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है? एलिमेंट लिखना है, और वो एलिमेंट क्या क्या है इस चीज को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 3 है, फिर आपको अच्छी तरह से ये मालूम होगा ही कि 1, 3 कहने का मतलब ये होता है कि पहले रो होता है और बाद में कॉलम होता है। तो यहाँ पे 1, 3 है तो इसका मतलब पहला रो, थर्ड कॉलम, तो 1, 3 एलिमेंट्स की संख्या बताना है गाइस। चलिए देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं 1, 3 यानी पहला रो और कॉलम की संख्या क्या बता रहा है, थर्ड बता रहा है। तो पहले रो देख रहे हैं, पहला रो R1 हो गया ये। अच्छा, आपको बता रहा है कि बाद में क्या करें, 3 columns, तो आप इस जगह पे देख लेंगे 3 column, तो 19 एलिमेंट आता है। यानी पहला रो 3 columns का एलिमेंट्स जो है वो है क्या है, 19। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, आपके पास कह रहा है क्या, ये 2×1 का रिजल्ट बतानी है आपको। तो 2×1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देख रहे हैं कि सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम तो हो गया क्या 35 एलिमेंट्स हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया 35 आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं आपके पास 33 का कह रहा है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉलम की संख्या 3 और रो की भी संख्या 3। तो चलिए देखिए इसी तरह से आप हाथ को एरोप्लेन की तरह उड़ाएंगे कॉलम 3 पे और रो में, जिससे कि आपको एलिमेंट की संख्या तुरंत पता चल जाएगा। जैसे देखिए कॉलम 3 और देख रहे हैं तीसरे नंबर पे कॉलम 3 और 3 और रो भी 3 कह रहा है, तो 3 रो पे हाथ कॉलम 3 पे हाथ को प्लेन किए -5 आ रहा है, तो इस जगह पे हो जाएगा -5। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि क्या है आपके पास 24, तो 24 देखेंगे, यानी ये समझ में आ रहा है कि आपको ये देखना है कि क्या रो की संख्या 2 है कॉलम की संख्या 4 है, तो रो की संख्या 2 पे आप क्या करेंगे देखेंगे। चलिए देखें यहाँ पे रो की संख्या 2 यही है, 2 नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो में देखोगे तो 2 नंबर की रो यही है और कॉलम की संख्या कह रहा है 4 कह रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है क्या 12 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 12 हो गया। उसी तरह से आपके पास क्या कह रहा है 23 का एलिमेंट्स बताना है। इस जगह पे आपको क्लियरली यह समझ में आ रहा है कि रो की संख्या क्या है 2 है और कॉलम की संख्या क्या है 3 है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे रो की संख्या 2 है तो रो की संख्या 2 तो यही होगा और कॉलम की संख्या 3 तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है, इसका रिजल्ट आ गया क्या 5/2। इस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। आई होप आप 100% समझ गए बहुत ही ईजी तरीके से। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स ऑर्डर द पॉसिबल ऑर्डर, कह रहा है कि आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर कितना तैयार कर सकते हैं, कितनी पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है। और फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट्स, जितना आपके पास पॉसिबल ऑर्डर जैसा बना रहे हैं 24 एलिमेंट्स में उसी तरह से 13 एलिमेंट्स में भी कितने ऑर्डर बन सकता है, यही क्वेश्चन आपसे राइज कर रहा है। देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं और ट्रिकी के साथ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास एलिमेंट की संख्या कितनी है 24 एलिमेंट्स की संख्या है, और फिर इस जगह पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि 24 एलिमेंट्स की संख्या को आपको ऑर्डर में तैयार करना है। जैसा कि कुछ ही पहले आपने पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन में देखा कि अगर आपके पास एलिमेंट्स की संख्या पूछा गया था तो ऑर्डर को क्या कर दिए थे मल्टीपल कर दिए थे, यानी रो और कॉलम को क्या कर दिए थे मल्टीपल कर दिए थे, जिससे कि उसके एलिमेंट की संख्या पता चल चुका था। उसी तरह से 24 का फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर कर दो, जितने फैक्टर रहेगा उनके उतने आंसर हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे 24 का फैक्टर कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है 24 को जब 24 को 1 से मल्टीपल करोगे तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा 24 ही होगा, तो यही हो गया उसका ऑर्डर। फिर इसी को पलट के लिख देंगे 24 को, यानी 1/24 कर दिए तो ये हो गया उनके ऑर्डर। फिर आप क्या करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो आपके पास 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये हो गया 24, इसका भी रिजल्ट 24 आ रहा है, इसका मतलब ये एक ऑर्डर हो गया। इसी को फिर पलट के लिख देते हैं आपके पास 2 × 12 तो ये भी इसका क्या हो गया ऑर्डर हो गया। फिर 3 से चेक कर लो तो आप क्या करोगे 8 × 3 कर दोगे, 8 × 3 तो भी 24 आ रहा है। फिर इसी को पलट दोगे तो 3 × क्या हो जाएगा 8, ये भी क्या आ रहा है 24 आ रहा है। अब फिर इसको नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि और क्या आ रहा है कि नहीं, फिर आप देखोगे 6 को 4 से मल्टीपल करोगे तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है। फिर 4 को क्या कर दोगे 6 से मल्टीपल कर दोगे तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है। इसके बाद दूसरा फैक्टर कोशिश करो, नहीं होने वाला है, इतना ही फैक्टर में क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा 24। तो आप चलिए देखिए यहाँ पे हुआ कितना फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब फिर यहाँ पे पूछा गया था कि आप कितने ऑर्डर तैयार कर सकते, तो यही आपने कितना ऑर्डर तैयार कर लिया 8 ऑर्डर तैयार कर लिया, तो यही हो गया इसका क्या हो गया आंसर। आप ये भी देख लेंगे आंसर में ये चीज भी मिलेगा और 8 भी लिखा हुआ रहेगा। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि 13 एलिमेंट्स को कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास हो गया 13 एलिमेंट्स और इस एलिमेंट को फैक्टर करेंगे। चलिए आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि 13 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 1 × क्या हो गया 13, ये ऑर्डर बन गया। इसी को पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 1, ये भी क्या हो जाएगा एक ऑर्डर हो जाएगा। अब दूसरा सोच के देखो ये क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यही उसका क्या हो गया आंसर।
आंसर हो गया, यानी इससे पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गया है, 2 हो गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस देख रहे हैं 30 क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन कह रहा है इस जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स, इस जगह पे क्या कह रहा है 18 एलिमेंट्स कह रहा है, यानी 24 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 18 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा 18 एलिमेंट्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आगे कह रहा है सेम वही प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस जगह पे कह रहा है 13 के जगह पे 5 एलिमेंट्स कह रहा है, क्या कह रहा है 5 एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है ये कंडीशन। आप इसका सॉल्यूशन आप इजीली समझने की कोशिश कीजिए और आई होप ये 100% आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, आप इसको कितने तरीका से पॉसिबल बना सकते हैं, आपके पास कितना इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अदरवाइज आपके पास कह रहा है क्या कि व्हाट इट हैज 5 एलिमेंट, जैसा 18 एलिमेंट्स में आप बना रहे हैं उसी तरह से 5 एलिमेंट्स में कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से बहुत ही क्विकली सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे और ट्रिकी के साथ। चलिए आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है क्या 18 एलिमेंट्स, क्या है 18 एलिमेंट्स। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसी को पलट के लिख देंगे 1 × 18 हो गया, फिर 2 से देख लेते हैं 9 × 2 हो गया, फिर 2 × 9 हो गया, 3 से देख लेते हैं 3 × 6 हो गया, 6 × 3 हो गया। तो आपके पास अदरवाइज इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। तो यही हो गया इनका क्या पॉसिबल ऑर्डर, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, ये हो गया आंसर इसका पॉसिबल ऑर्डर। अब चलिए देखिए यहाँ पे 5 को ट्राई करते हैं, 5 का भी वही कंडीशन है जैसे 5 को किससे 1 से तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, और 1 को किससे तो 5 से तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इस तरह से इनके अदरवाइज दूसरा नहीं होने वाला है, तो ये हो गया आपके पास 2 और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी है। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था, प्रीवियस क्लास में ये आपने जरूर देखा होगा कि आपका जनरल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप उस चीज़ को देख के क्लियर कर सकते हैं जनरल मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि आप जनरल मैट्रिक्स अगर समझ जाते हैं तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब इस जगह पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये इक्वल टू ए आई से हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी एलिमेंट्स की जो कंडीशन होगी वो इसी से तैयार करना पड़ेगा। आपके पास दिया हुआ है ये इक्वल टू ए आई से, आप इसी तरीके से ये जानते होंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आई जो रिप्रेजेंट करता है रो को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम जो जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, एट फर्स्ट आप क्या करेंगे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको क्या करना है तैयार करना है, निर्माण करना है। तो सॉल्यूशन में आपने ये इक्वल टू दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो जैसे आपने अच्छी तरह से मालूम है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहने का मतलब होता है कि ऑर्डर होना, ऑर्डर में 2x2 होगा, यानी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। तो रो की संख्या 2, 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये आपके पास समझ में आ गया कि 2x2 ऑर्डर का ये हो गया, इजीली मैट्रिक्स तैयार हो गया। जब इजीली मैट्रिक्स तैयार हो गया 2x2 ऑर्डर्स का, तो अब इस जगह पे क्या करेंगे इन एलिमेंट्स की संख्या को निकाल लेंगे, वही उनका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलिमेंट की संख्या निकालना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आई जे इक्वल टू पहला नंबर का सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं ये आई जे इक्वल टू कंडीशन दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए ये आई जे इक्वल टू कंडीशन है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो आप चलिए देखिए यहां पे करेंगे क्या, आई जे आई का वैल्यू क्या है 1 है, जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 1 का रिजल्ट निकालने के लिए आई के जगह पे 1 डाल दिया, जे के जगह पे भी 1 डाल दिया और फिर स्क्वायर कर दिया, फिर बटे में 2, 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4/2 कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप चेक कर लीजिए, जैसे क्या है
ये 1 2 का एलिमेंट्स, ये 1 2 का एलिमेंट्स, आई की जगह पे 1 डाल दिया, जे के प्लेस पे 2 है 2 डाल दिया, इन का स्क्वायर कर दिया, बटे में 2 है बटे में 2 कर दिया, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, तो ये हो गया गैस आपके R1 का एलिमेंट्स। किसका आ गया? R1 का एलिमेंट्स आप चेक कर लेंगे, R2 का एलिमेंट्स निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए R2 का एलिमेंट्स निकालते हैं, 2 1 है, R2 का पहला एलिमेंट्स क्या है 2 1 है, तो चलिए देखिए यहाँ पे I का रिजल्ट क्या है 2 है, J का रिजल्ट 1 है, तो चलो देखो यहाँ पे डाल देंगे I प्लस J के जगह पे 2 + 1 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर बटे में 2 इन दोनों का एडिंग करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर बटे में 2 हो जाएगा, तो 9/2 आ गया। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे 2 का, ये 2 2 का एलिमेंट्स निकालोगे, तो ये 2 2 डाल दोगे, आई का रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या है 2 है, जे का भी रिजल्ट क्या है 2 है, तो इस जगह पे क्या करोगे 2 + 2/2 इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे, एडिंग करोगे तो 4 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, बाई 2 इसको कटोगे तो कितना आ जाएगा 8, ये हो गया R2 का एलिमेंट्स हो गया, यानी सेकेंड रो का एलिमेंट्स आ गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे हाइंस में आंसर लिख सकते हैं इजिली, ये इक्वल टू हो गया। आप इस जगह पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आया 2 आया, सेकेंड एलिमेंट्स आपका क्या आया 9/2 आया, तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 2, सेकेंड एलिमेंट्स 9/2 आ गया, 9/2 आ गया। नेक्स्ट ये फर्स्ट रो का था, सेकेंड रो में आपके पास 9/2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसी तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है गाइस, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आप 100% समझ गए होंगे इनका सॉल्यूशन। अब इसी तरह से आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है आपके पास, ये आई बाय वो जे का है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आई जे, फिर क्या है 1 + i + 2j का होल स्क्वायर बाय 2, तो सेम इसी प्रोसेस से इन सारे क्वेश्चन का भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। गाइस अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, और जो कुछ भी आपको इस चैप्टर के माध्यम से कुछ अगर होमवर्क के रूप में आपका रहता है तो इनको जरूर आप क्या करेंगे राइट डाउन करने के साथ साथ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आप इजीली आगे की भी क्वेश्चन कोई भी राइटर का बुक हो जाए, चाहे आरडी शर्मा के सरवाल कोई भी राइटर का बुक हो जाए, आप इजीली उसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही सेम कंडीशन का क्वेश्चन है गाइस, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहां पे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, कंस्ट्रक्ट 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सिर्फ चेंजिंग क्या कह रहा है 3/4 ऑर्डर कह रहा है, इस जगह पे 2/2 ऑर्डर का था, तो इस जगह पे हो जाएगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करने के लिए कह रहा है। किसका 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करने के लिए कह रहा है, इसमें भी दो कंडीशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इजीली आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है, तो आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं, सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें जो आपके पास कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3/4 ऑर्डर कह रहा है गाइस, अदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं, सिर्फ वीडियो का एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं, चले गए आप क्वेश्चन नंबर 5 में, वही कंडीशन क्या करे कंस्ट्रक्ट 3/4 ऑर्डर, यानी कह रहा है क्वेश्चन जो आपको क्रिएट करना है, जो बनाना है वो 3/4 ऑर्डर का कह रहा है। ये इक्वल टू आई इज हुज द एलिमेंट्स आर गिवन बाय, क्या क्या एलिमेंट्स इसका हो सकता है, आप इस चीज को निकालेंगे। कंडीशन पहला क्वेश्चन में दिया हुआ ये आई इज इक्वल टू 1/2 मोड, ये क्या है गैस मोड है, यानी इस तरह से लकीर खींच देंगे तो क्या कहलाएगा मोड कहलाएगा। यहाँ पे मोड कह रहा है कि 3i - j, क्या कह रहा है 3i - 3i + j कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये आई जे इक्वल टू कह रहा है 2i - j, जैसे ये क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं क्रिएट करके आपको बताता हूँ सॉल्यूशन में, आप इजीली इसी तरह से लिखेंगे, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। लेट सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इक्वल टू आप इस जगह पे देख रहे हैं कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए कह रहा है, तो आपको इस चीज समझ में आ रहा है क्या, पहले क्या होगा रो की संख्या, बाद में कॉलम की संख्या, नहीं समझ में आ रहा है कि रो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और कॉलम कितने हो जाएंगे
फोर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए उसी तरह से तैयार कर लेते हैं कि वन वन, ये वन टू, ये वन थ्री, और फिर यहाँ पे फोर की संख्या कह रहा है तो ये वन फोर हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा, वन फोर, ये हो जाएगा टू वन, ये टू टू हो जाएगा, ये टू थ्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टू फोर, ये हो जाएगा थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, और फिर थ्री थ्री फोर, यानी ये थ्री फोर हो जाएगा। आप इस जगह पे देखिए एलिमेंट्स की संख्या यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई फोर। आप देख रहे हैं रो की संख्या कितनी हो गई, थ्री हो गई, और कॉलम की संख्या वन टू थ्री फोर, आप देख रहे हैं फोर। इस तरह से आपने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। इन सारे एलिमेंट्स का एक एक करके वैल्यू तैयार कर लो, आपके लिए बहुत ही ईजी सॉल्यूशन। चलिए देखिए यहाँ पे एक एक वैल्यू तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास पहला रो के लिए हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट रो के लिए एलिमेंट्स की संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ ये आई जे इक्वल टू हाफ, मोड दिया हुआ है माइनस थ्री आई और प्लस जे। बहुत ही इजी तरीका से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम रिलैक्स मोड में समझने के, सिर्फ आप कॉपी कलम लेकर राइट डाउन जरूर करते रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने इस पहला एलिमेंट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू वन, आप यहाँ पे ले लिया क्या वन वन। अब इस जगह पे वन बाई टू कर दिया आपने, आई का वैल्यू क्या लिया वन, जे का वैल्यू वन है, तो माइनस थ्री इंटू वन और प्लस वन। आप इस जगह पे इनका रिजल्ट क्या आएगा इस देखो, थ्री गुना वन माइनस थ्री और फिर प्लस टू, प्लस वन घट के क्या आ जाएगा माइनस टू आएगा। अब मोड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो इस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा टू बाई टू कट के क्या आ गया वन आ गया। इस तरह से पहला एलिमेंट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये टू वन, ये वन टू का एलिमेंट्स निकालेंगे, तो आपके पास वन बाई टू हो जाएगा, माइनस थ्री गुने वन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा टू, यानी आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू टू है। आप इन दोनों को गुना करेंगे, थ्री गुने वन तो क्या हो जाएगा थ्री, माइनस थ्री में क्या घट जाएगा टू घट जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे वन बाई टू, यानी माइनस वन आ रहा है लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू देता है इसलिए वन बाई टू हो गया। इस तरह से आपके पास किसका रिजल्ट आ गया, ये वन टू का एलिमेंट्स आ गया। आप इस जगह पे देखें हम लोग ये वन थ्री का एलिमेंट्स का रिजल्ट निकालते हैं, तो आप इस जगह पे क्या करेंगे वन बाई टू तो हाँ पाइए। आप इस जगह पे क्या डाल दोगे यहाँ पे, माइनस थ्री गुने वन और फिर प्लस थ्री कर दोगे। अब थ्री थ्री का डिफरेंट यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, ये थ्री गुना वन, थ्री थ्री में थ्री घट गया जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो बाई टू, तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। आप इस जगह पे देखेंगे नेक्स्ट निकालेंगे ये वन फोर का रिजल्ट निकालेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वन बाई टू तो होगा ही, यहाँ पे थ्री गुना क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा फोर, यहाँ पे माइनस थ्री है गाइस, तो यहाँ पे थ्री गुना वन थ्री आता है, यहाँ पे फोर एडिंग करोगे तो के घट के क्या आ जाएगा पॉजिटिव वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन बाई टू आ गया। इस तरह से आपके पास आर वन का एलिमेंट्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आर टू का एलिमेंट्स निकालने के लिए। चलिए देखिए ये कंप्लीट हो गया, अब आर टू का एलिमेंट्स निकालेंगे। पहला क्या है आर टू का एलिमेंट्स में, टू वन है, तो आप क्या करेंगे ये टू वन का एलिमेंट्स निकालो। चलो इसी में पुट कर देंगे, माइनस थ्री आई प्लस जे, तो इस जगह पे हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री आई, तो यहाँ पे थ्री गुना क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, क्योंकि जे आई का वैल्यू टू है, तो माइनस थ्री गुना टू और प्लस क्या हो जाएगा वन। इन दोनों का क्या डिफरेंट आ रहा है, माइनस फाइव मोड क्या कर देता है प्लस कर देता है, तो फाइव बाई टू आ गया। उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये टू वन का एलिमेंट्स निकाल चुके, तो ये टू टू का एलिमेंट्स निकालेंगे, तो वन बाई टू हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू टू और प्लस टू हो जाएगा, तीन दो नीचे और फिर दो घट गया चार आ गया, चार बटे क्या करेंगे दो करेंगे, इसको कट के क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा टू टू थ्री का हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री गुने क्या हो जाएगा टू और प्लस थ्री हो जाएगा, तीन दूनी छः घट के तीन आ जाएगा, पॉजिटिव में आपके पास थ्री बाई टू हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास ये टू फोर का एलिमेंट्स निकालेंगे, वन बाई टू करेंगे, टू इंटू क्या कर देंगे थ्री, माइनस थ्री इंटू क्या कर देंगे टू और प्लस फोर कर देंगे, इनका रिजल्ट निकालेंगे, तीन दूनी छः में दो घट गया तो कितने चार घट गया दो बचा, और टू बटे टू करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा टू बटे टू कट के क्या आ जाएगा वन। तो इस तरह से ये किसका रिजल्ट निकलेगा, आर टू का एलिमेंट्स निकालेंगे। उसी तरह से आर फोर का, आर थ्री का रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आर थ्री का रिजल्ट हम लोग निकालते हैं बहुत ही इजी तरीका से। आर थ्री का रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थ्री वन करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करोगे, वन बाई टू, आई का रिजल्ट थ्री है, जे का रिजल्ट वन है, तो यहाँ पे को जब माइनस थ्री गुना वन हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा वन। इन दोनों को जब रिजल्ट निकालोगे तो तीन और फिर थ्री और फिर थ्री और फिर थ्री में वन कट जाएगा, तो क्या बचेगा टू बटे क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा आपके पास वन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास
थ्री टू का रिजल्ट निकालेंगे, वन बाई टू करेंगे, थ्री गुने क्या कर देंगे आपके पास थ्री ही हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या है थ्री गुने थ्री यहाँ पे हो जाएगा और प्लस वन, तो तीन तीन नौ में घट गया, तो यहाँ पे एट हो जाएगा, एट बटे टू तो क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा गाइस। अब चलिए देखिए यहाँ पे तीन तीन नौ यहाँ पे प्लस क्या कर दोगे दो कर दोगे, तो तीन तीन नौ में दो घट गया, तो कितना बच गया सात बटे कितना बच गया आपके पास टू बच गया। नेक्स्ट आपके पास क्या करोगे थ्री थ्री का रिजल्ट निकालोगे, तो वन बाई टू आपके पास माइनस थ्री गुने थ्री हो जाएगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा थ्री, इन दोनों का तीन दुनी तीन 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 का नाइन होता है, नाइन में क्या आ जाएगा थ्री घट जाएगा तो क्या बचेगा सिक्स बटे क्या हो जाएगा आपके पास टू कट के आ रहा है थ्री। और उसी तरह से आपके पास क्या हो गया यहाँ पे वन थ्री फोर का एलिमेंट्स का निकालोगे तो वन बाई टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री इंटू थ्री हो जाएगा प्लस फोर, इन दोनों का डिफरेंट आ रहा है फाइव बाई टू आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज फाइव बाई टू। तो इस तरह से किसका रिजल्ट निकले आर थ्री का रिजल्ट निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास आर वन का रिजल्ट ये है आपके पास ये दोनों, और आर टू का रिजल्ट आर थ्री का रिजल्ट आप इस जगह पे क्या करेंगे पुट कर देंगे तो सारे क्वेश्चन का आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसका पुट हम लोग इस जगह पे करके चेक कर लेते हैं। तो चले गए साहब हम लोग क्या करते हैं इसका पुट करके वहाँ पे चेक कर लेते हैं, सारे का वैल्यू पुट कर देते हैं आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हैंस में आप लिख सकते हैं हैंस ये इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है देख लीजिए यहाँ पे ये वन वन का आर वन का रिजल्ट जो आया पहला आया वन आया वन बाई टू आया जीरो आया वन बाई टू आया, तो आप क्या करेंगे वन करेंगे जीरो वन बाई टू करेंगे फिर जीरो करेंगे फिर वन बाई टू करेंगे, ये क्या हो गया आपके पास पहला रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा आपके पास क्या है इस चीज़ को देख लेते हैं, दूसरा आपके पास क्या फाइव बाई टू टू है थ्री बाई टू है और वन है, तो आप इजीली इस जगह पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा आपके पास पहला क्या है फाइव बाई टू है उसके बाद दो है उसके बाद क्या है थ्री बाई टू है उसके बाद क्या है वन कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे आर थ्री में क्या है फोर है सेवन बाई टू है थ्री है फाइव बाई टू है, तो यानी आप क्या कर देंगे फोर कर देंगे सेवन बाई टू कर देंगे उसके बाद थ्री कर देंगे और उसके बाद फाइव बाई टू कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास थ्री बाई फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया, ये हो गया आपके पास आंसर। आई होप 100% आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। तो चले गए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का ना सिक्स का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस सॉल्यूशन में आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे जिससे कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए आप बहुत ही ट्रिकी के साथ बताएंगे इजी तरीके से आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिए और इसको रेड डाउन करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, और इस जगह पे कह रहा है क्या कि 4 3 और x 5 है। नेक्स्ट इक्वल टू में कह रहा है कि y z और 1 2 नो 1 5 कह रहा है। चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन जब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इस टाइप का सॉल्यूशन करने के लिए देखिए डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करता हूं आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। इक्वालिटी करना है यानी हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी जैसे आपके पास पहला मैट्रिक्स जो है दूसरे मैट्रिक्स के वही पोजीशन के एलिमेंट के साथ आपको क्या करना है इक्वालिटी करना है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि ये फोर का पोजीशन आप जानते हैं वन वन का है, ये भी आपके पास जानते हैं वाई का पोजीशन भी वन वन का है, ये वन वन के साथ ही कंपेरिजन करोगे यानी क्रॉस पॉइंटिंग करोगे आप। चलिए देखिए यहाँ पे थ्री का पोजीशन क्या है, ये वन टू का है, ये आपके पास ये वन टू का, तो यानी ये जो वन टू का है वही पोजीशन के साथ इनका भी क्या करेंगे कंपेयर करेंगे गाइस। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो वाई का रिजल्ट क्या रहा है, ये वाई वन वन पे है और फिर यहाँ पे वन वन पे क्या है फोर है, तो वाई का रिजल्ट आ गया फोर। नेक्स्ट आप इस जगह पे देखेंगे जैसे जेड क्या है वन टू पक्का है, उसी तरह से यहाँ पे थ्री भी वन टू का है तो जेड का भी रिजल्ट आपके पास क्या आ गया थ्री। अब इस जगह पे देखिए एक्स का पोजीशन आप इजीली जानते हैं ये टू वन का है, इस जगह पे आप देख रहे हैं कि यह क्या है टू वन का है, तो एक्स का रिजल्ट क्या आ गया वन। इस तरह से एक्स वाई जेड का आपके पास रिजल्ट आ गया, ये हो गया आपके पास आंसर पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है सिक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में इस जगह पे
एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स इक्वेशन वन मान लेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, उसका कोई अननोन टर्म नहीं है कि जिससे कि आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, फाइव प्लस जेड यहाँ पे क्या है इक्वल टू, इसका पोजीशन में क्या है फाइव है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, फाइव प्लस जेड कर लोगे इक्वल टू में क्या कर लोगे, फाइव कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्स वाई का रिजल्ट आपके पास क्या है गाइस, एट है, तो इस जगह पे आप क्या कर लो, इसे इक्वेशन टू मान लो, और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, एक्स वाई का रिजल्ट आपके पास क्या है, एट है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, एट कर लिया। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप इजीली समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए देखें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, तो इनसे आपका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीका से हो सकता है। जैसा आप इस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 प्लस जेड, यहाँ पे भी 5 है, 5 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जेड का रिजल्ट आपको समझ में आ गया, क्या हो गया गैस, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। एक तो आंसर आपके पास आ गया, जेड का रिजल्ट क्या आ गया, इक्वेशन टू से क्या आ गया गैस, जीरो आ गया। अब चलो देखें, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, इस जगह पे एक्स को फ्री कर लो चाहे वाई को फ्री कर लो, जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को फ्री करो, तुरंत उस जगह पे पुट करो, आपके पास तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे एक्स वाई को फ्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, तो चलिए देखें यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन वन में, पुट इन वन में पुट करते हैं गैस, देखिए यहाँ पे पुट इन वन वन में पुट करते हैं, तो आपके पास एक्स वाई का रिजल्ट क्या है, एड बटे एक्स वाई के प्लेस पे क्या डाल देंगे, एड बटे एक्स डाल देंगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एट बटे एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स। इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू सिक्स, और क्रॉस एक्स को गुना करेंगे तो सिक्स एक्स हो जाएगा। इसको इस पार लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स सॉरी माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, और प्लस एट इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या आ गया गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप अच्छी तरह से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करना, आप इस जगह पे जैसे कि इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन के इसका फैक्टर में तोड़ देंगे, तो इजीली इसका फैक्टर आप बना सकते हैं, एक्स माइनस टू बना सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक्स माइनस फोर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, फोर बना सकते हैं। चलिए गुना करके देख लीजिए और जोड़ के भी देख ले, तो आपके पास सेम आ रहा है, यानी इस जगह पे x का वैल्यू एक आ गया, आपके पास टू आ गया, और x का वैल्यू क्या आ गया, फोर आ गया, यानी x का दो वैल्यू आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी y का भी वैल्यू क्या आ गया, दो आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे x का वैल्यू टू और x का वैल्यू क्या आ गया गाइस, फोर आ गया। इस जगह पे आप जब निकालोगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू भी आपके पास निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के लिए, जब x के प्लेस पे क्या डालोगे, टू डालोगे, तो y का वैल्यू फोर निकल के आएगा। फिर x के प्लेस पे फोर डालोगे, तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, टू आएगा। तो आपके पास x का y का वैल्यू क्या आ गया, फोर आ गया, एक आ गया टू, और x का वैल्यू एक टू आ गया, और एक आ गया फोर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा को समझने की कोशिश करेंगे, सेम यही प्रोसेस से है, आप इजीली इसका सॉल्यूशन तीसरा का समझ सकते हैं। चलिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्यूशन इस जगह पे समझ लेते हैं बहुत ही इजी तरीका से। चलिए देखें यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, नाइन। जो पोजिशन इसका है वही पोजिशन नाइन का भी है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन कर दिया इक्वेशन वन। दूसरा आपके पास एक्स प्लस जेड इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या कर देंगे, फाइव कर देंगे। तीसरा आपके पास वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या कर देंगे, सेवन। यानी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, थर्ड इक्वेशन ये हो गया। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, इस दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या है, जेड है, तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, दोनों का इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप जोड़ लीजिए, थर्ड और फोर्थ को घटा दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये जेड जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और इन दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। यानी आपके पास एक्स माइनस वाई का रिजल्ट क्या आ गया, टू आ गया। अब इन्हीं में से एक्स वाई का वैल्यू किसी में इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका इजीली वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, टू आ गया। इनमें से किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास इसका वैल्यू निकल जाएगा। चाहे इक्वेशन फोर इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन फोर मान लीजिए। इजी तरीका से सॉल्यूशन समझने के लिए, आई होप आप ये इतना तक समझ गए। अब इन्हीं चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।
तो चले देखिए यहाँ पे इसको आपने क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चले देखिए यहाँ पे इनमें से x या y का वैल्यू किसी एक का वैल्यू इस जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, आपका इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा गाइस। चले देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आपने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से x का वैल्यू निकाल, जेड का वैल्यू निकाल के भी डाल सकते हैं। इक्वेशन 2 से जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस जगह पे जेड का वैल्यू डाल दीजिए तो x प्लस क्या हो जाएगा, y, और फिर यहाँ पे प्लस में वो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, x उस पार चल जाएगा तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस x और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9, x x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप ये 5 उस पर चल जाएगी तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपके पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से क्या आ गया, 4 आ गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन किस में पुट कर दिए, थर्ड में पुट कर दिए, z का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए देखिए यहां पे आराम से इसका वैल्यू क्या, किस में पुट इन, पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट कर दीजिए एक्स वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू थर्ड में पुट कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4, और प्लस क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 7, 4 उस पर गया तो जेड का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे z का वैल्यू क्या आ गया, 3x का वैल्यू निकालने के लिए इस जगह पे किसका वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या ऐसा फिर लिख सकते हैं, पुट इन फोर्थ, यानी 4 में आप डाल दीजिए, जैसे इस इक्वेशन को क्या माने थे आपने, 4 माना था। इस जगह पे देखो डाल देते हैं किसका वैल्यू, x का वैल्यू डाल दे, y का वैल्यू डाल देते हैं, y का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, 4 डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, ये उस पर जाएगा तो घट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया, हैंस में इजीली आंसर लिख सकते हैं, x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, z का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया, आंसर हो जाएगा x, y, z का वैल्यू। इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हो, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, 2b माइनस बी इक्वल टू 0 है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जैसे इनका पोजीशन आपके पास ए माइनस बी का पोजीशन आपका है माइनस 1, ले लिया आपने इक्वेशन 1 मान लिया इसे फर्स्ट। दूसरा आपने क्या किया, 2a प्लस सी इक्वल टू आपने मान लिया क्या 5, क्योंकि इसका पोजीशन 5 के पोजीशन से मिलता है तो इसे इक्वेशन 2 मान लिया। तीसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू आपका 0 है, 0 बन गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, इस तरह का बनेगा जैसे 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। बहुत ही क्विकली सॉल्यूशन है आपका, ये बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस जगह पे आप क्या कर दीजिए, बी का वैल्यू निकाल लीजिए और बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जैसे ये और बी दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। अब चलिए देखिए इक्वेशन थर्ड को सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 2a हो जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए गाइस, बी इक्वल टू 2a, यानी इसका वैल्यू इसे इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए, यानी 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जगह पे देखिए यहां पे पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया आपने किसका वैल्यू, बी का वैल्यू किस में, इक्वेशन 1 में, तो आपके पास ये और बी का वैल्यू आपके पास क्या आया, 2 आया, तो 2a डाल देंगे तो यहाँ पे क्या जो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब इस जगह पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा गैस, माइनस ये आ जाएगा और माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये का रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ये का आंसर आपके पास कंप्लीट आ गया। उसी तरह से इस जगह पे भी ये का रिजल्ट अगर 1 डाला तो बी का रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपके पास बी का रिजल्ट भी आपके पास इजीली आ गया। आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, यानी आप सी और डी का रिजल्ट बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये का रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आएगा, तो इस इक्वेशन क्या कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे ए का रिजल्ट, ए का रिजल्ट इक्वेशन 2 में पुट कर दिया गाइस, जैसे 1 डाला तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, और ये 2 जब टर्न ओवर होगा लेफ्ट हैंड में जाएगा तो आपके पास 3 में 2 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, यानी 2 5 में क्या 2 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो सी
का रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से आप देखेंगे 4 का रिजल्ट यानी डी का रिजल्ट क्या आ गया, आप ये अच्छी तरह से जान देंगे। सी का रिजल्ट क्या आया, 3 आया, 3 डाल देंगे सी का रिजल्ट इक्वेशन 4 में, तो क्या 3 3 9 आ जाएगा। और जब राइट हैंड में जाएगा तो 13 में 9 घट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो डी का रिजल्ट क्या आ गया गाइस, 4 आ गया। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हो जाता है, 7 का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 10 समझने की कोशिश करते हैं। वो है आपका ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपके एग्जाम में फिक्स है, आने का चांस है 110%। सो गाइस इस ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला समझने की कोशिश करते हैं। चले दोस्तों, अब हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज किए जाते हैं उस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही इजी प्रोसेस से यानी क्विकली आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास 8 नंबर में कह रहा है क्या कि इफ़ ए इक्वल टू AIJ m/n ऑर्डर का, यानी अगर आपके पास क्या है कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है या कह रहा है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको ऑप्शन देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने ऐसा देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया गया है, क्योंकि उसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको देख लेते हैं तो आपको ईजिली ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऐसे भी आपको आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन होता है रो वाई, रो और कॉलम क्या होता है इक्वल होता है। आप इस जगह पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन पे रो और कॉलम इक्वल है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है रो और कॉलम क्या है इक्वल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार राइज किया गया। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखोगे तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए देखिए वहाँ पे जरूर देखेंगे एम इक्वल टू, यानी इस तरह का मैट्रिक्स में। अब देख लेते हैं कि 9 नंबर पर क्वेश्चन में कह रहा है टू विच इज अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया, आपने देखा जरूर देखा, और फिर इस चीज़ को वही चीज़ का ऑब्जेक्टिव है। चले गाइस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 3x+7=0। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब 3x+7=0, आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3x+7=0 जब इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3 आ जाएगा। अब देख लीजिए कहीं ऑप्शन में x -7/3 है कि नहीं, अगर इस जगह पे देखोगे तो ये भी क्वेश्चन का क्या आ रहा है कि x इक्वल टू क्या आ रहा है इस जगह पे 2-3x=4 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 इस पर जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/3 आ रहा है, यानी x का डबल वैल्यू आ गया। क्या आ गया, x का डबल वैल्यू आ गया गैस, लेकिन आपके पास इस जगह पे x का डबल वैल्यू आने के कारण ये गलत बता रहा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में जितने भी देख रहे हैं वो क्या है, ये सिंगल वैल्यू है, और जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है x का वैल्यू कोई भी ऑप्शन में कॉन्साइड नहीं कर रहा है, x का वैल्यू ये किस जगह पे कर रहा है सी में, लेकिन y का वैल्यू कॉन्साइड नहीं कर रहा है, और एक एक्स का वैल्यू क्या है -7/3, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं नन ऑफ दिस, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी आपको ये जो कह रहा है कि आप कितने पॉसिबल मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्रीज 0 और 1, यानी अगर उस मैट्रिक्स में सिर्फ एंट्री होना है 0 और 1 को, और वो ऑर्डर आपका बताया गया है 3/3 ऑर्डर, यानी कहने का सेंस यह कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर का कितने आप मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 0 और 1 एलिमेंट सी क्या हो, एंट्री हो, यानी उसकी जो एलिमेंट की नंबर होगा वो 0 और 1 ही सिर्फ होगा, यानी 2 ही एलिमेंट उसमें एंट्री करके। तो इस तरह का एलिमेंट अगर बनाने मैट्रिक्स बनाने जाओगे तो बहुत सारा मैट्रिक्स बन जाएगा, तो इसको एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। 3 और 1 को अगर इसको गुना 3/3 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एंट्री करने के लिए क्या है आपके पास 0 और 1
वन है, तो एलिमेंट की संख्या देख रहे हैं वन और क्या है जीरो और वन है, यानी एलिमेंट्स की संख्या अगर देखोगे तो दो आ रहा है और यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है थ्री बाई थ्री, और उस जगह पे एलिमेंट को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है नाइन आ रहा है। तो टू पर पावर क्या कर देंगे सॉल्यूशन में नाइन कर देंगे, जब टू पर पावर नाइन कर देंगे तो इसको गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यानी 512 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देख रहा है 512, तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये 100% आप ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इन चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए। आप क्या करेंगे इसको एक बार कंप्लीट देखने के बाद राइट डाउन कर लेंगे, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और आपको किसी तरह की अगर वीडियो यानी कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानना हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अगर कॉमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं तो मैं उस कॉमेंट को देखकर आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।